बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट में, हूँ मोहम्मद अवैस। हमारे साथ करीब खबर मुहम्मद साहब मौजूद हैं। करसम से आज हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम करसम। करसम, हमें ये बताएं, ख्वाब के अंदर इंसान अगर अक्स तस्वीर वगैरह देखे तो इसकी क्या तबीर हो सकती है? औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर वैसा भी तस्वीर देखना, ये इससे मुराद औरत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर दिखाई गई थी जी। तो बताया गया था कि ये औरत आपकी बीवी बनने वाली है। तो तस्वीर से मुराद असल में औरत होती है जी। और ये देखे कि उसके पास तस्वीर है तो उससे मुराद ये है कि वो शादी करेगा। ख्वाब में देखे कि उस शख्स के पास, किसी के पास तस्वीर है तो उसकी तबीर यही है कि वो आदमी औरत करेगा, यानी कि शादी करेगा। अगर ख्वाब में देखे कि उसने तस्वीर को ज़ाया कर दिया तो उसकी तबीर ये है कि ये जो बंदा है ये अपनी बीवी को तलाक देगा। और इसी तरह अगर ख्वाब के अंदर ये देखे कि उसने तस्वीर को ज़ाया कर दिया है तो इससे मुराद ये है कि उसकी बीवी फौत हो जाएगी। ख्वाब के अंदर ये देखे कि उसने उसकी तस्वीर जो है, या मेरी या किसी बंदे की तस्वीर बदल के जानवर की तस्वीर बन गई, जानवर बन गया इंसान की, उसका जनाब चेहरा जानवर की तरह बन गया, तो इस ख्वाब की तबीर ये है कि वो बंदा बद मज़हब होगा और झूठा होगा, यानी कि वो उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और वो बहुत ही, यानी कि बुरा ख्वाब है। और ये ऐसे ख्वाब हैं जिनको लाजमी ज़ाया कर देना चाहिए। इंसान अगर ज़ाया नहीं करता, सुस्ती करता है, कहता है बस ये ख्वाब आते रहते हैं, तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़ाया लाजमी कर देना चाहिए और सदका देना चाहिए। बाईं जानब तीन मरतबा थूक के औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़नी चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला उसको नुकसान नहीं हो सकता किसी किस्म का भी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इसके शर से मुझे महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, किसी भाई बहन को ख्वाब आए तो नंबर की नीचे कर सबका मेंशन है, रब्ता कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर रिप्लाई मिलेगी। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا